हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग रे भाई, गुड नाइट। नाइट हो रही है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:05। तो हमने कही भाई थोड़ा सा घूमा है, हाँ पिया है, थोड़ा सा खाना वाना, दिन में चटर पटर खा ही रहे थे, तो अब थोड़ा सा एक्यूरेट खाएंगे। थोड़ा चल के यहाँ पे फतेह बाग, आई गेस सही नाम कर रहा हूँ, फतेह सागर। तो रात में लाइटनिंग होती है उसमें अच्छी खासी। तो अपनी गाड़ी ऐसी खड़ी है कुछ इस साइड, अभी इसको अंदर रखवा देंगे, यहाँ पे अंदर रखवा देंगे। तो भाई ये भी बहुत अच्छा एरिया यार। तो अभी बुकिंग वुकिंग कह रहे थे, बुकिंग कैंसिल कर दो, इनने ट्रांसफ़र किया दूसरे होटल में। पहले हमारी बुकिंग थी सन पैलेस में, फिर इनने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें आंगन में, और हमसे कह रहे वो कैंसिल कर दो। देख रहे आजकल इतना तेज है इंसान। उसमें इन लोगों ने रूम भर लिए थे, बुकिंग थी हमारी, लेकिन इनने फिर भी रूम भर दिए थे, तो उसने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। चलो भाई कुछ खाने चलते हैं, और पता है सागर झील कुछ ऐसे ही है, उसको दिखाएंगे, बढ़िया मस्त मजा है। बाइक से ही चलेंगे भाई, अब कौन यहाँ पे रेंट का है ढूंढता रहे, कौन का करता रहे। A few moments later. तय सागर सरोवर की लोकेशन है 24 मिनट 9 किलोमीटर। कह रहा रात में ही विजिट करने में उसे ज्यादा मजा आएगा। यही है सीधा 9 किलोमीटर भाई। अपनी गाड़ी में जो रहता कि कभी भी आप निकल जाओ, कभी भी आ जाओ। तो आज उदयपुर की सड़कों पे अपनी जीटी चलते हुए एकदम मस्त बवाल, एकदम बवाल हो गया आज तो। अभी खाना भी खाना भाई, भूख भी लग रही। जब आप रास्ते में होते तो कुछ भी खा लो, हल्का फुल्का जैसा भी हो, लेकिन अब थोड़ा एक आज कवर करेंगे, बाकी के जो डेस्टिनेशन है ना, जो भी मतलब टूरिस्ट प्लेस हैं आप, वो कल करेंगे। बता रहे सब अराउंड 10 किलोमीटर्स में है। अरे वाइजा साफ नहीं किया यार, वाइजा साफ कर लेते तो सही रहता। मतलब जितनी झांसी में रात को ठंड हो जाती ना, उतनी ठंड अभी फिलहाल तो नहीं लग रही, क्योंकि बस अब जैकेट ही डाले, राइडिंग जैकेट, और कुछ नहीं रहा। चलो भाई कुछ अच्छा दिखेगा तो बताएंगे, ठीक ही है वरना। आज मोटो ब्लॉग भाई उदयपुर का भी देख लो आप लोग, एक लाइक शेयर छोड़ के तो जान ही जाना गाइज। सेकेंड पार्ट करके डालेंगे एक्सप्लोर करके, जल्दी आयो ना तो ये फायदा रहता कि आप उसी दिन एक दो चीजें कवर कर सकते हैं आराम से। ये यहाँ थोड़ा सा लैंडस्केप ऊपर नीचे, देखो थोड़ी सी आ गई ऊपर फिर नीचे, थोड़ा सा देहरादून टाइप का फील दे रहा। अपन को कहाँ से जाना है, यहाँ से किसी नई सिटी में फॉलो करना बहुत समस्या वाला काम है भाई, ट्रैफिक रूल्स को। और क्या बढ़िया लग रहा, ऐसा बन जाए हम लोग का लाइट झांसी में तो मज़ा ही आ जाए। तो अपन को यहाँ से इसी गोल चक्कर से लेना है, जैसे वो यहाँ पे तो बहुत होटल है यार भाई, वाइन बियर सब एक ही साथ है शॉप यहाँ पे, जैसे अपने यूपी में अलग अलग रहती ना, सब एक साथ ही है यहाँ पे। जैसे हमें लगता मेन मार्केट से निकल रहा है अपन, होटल पारस, पाजी की रसोई, ओ माय गॉड। ये थोड़ा सा चांदनी चौक टाइप का फील आ रहा है इसको देख के। तो अपन को यहाँ से राइट लेना है भाई, सब बार आर तो ऐसे बने, देखो तो जरा कितनी बढ़िया चीज़ है भाई। अपन को यहाँ से लेना है लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, इंडिकेटर दे दो भाई। ये कैमरे वैमरे का प्रॉपर हमारे तो सीन ही नहीं दिख रहा है, ऐसे ही है मतलब सब। जी ऑटो भाई बहुत खतरनाक होती है, अपने कानपुर में भी चलती। न्यू गुजराती आइसक्रीम, गुजरात आइसक्रीम भाई, जी क्या है गुजरात आइसक्रीम भाई, सब मेन सिटी से निकाल रहा है जो तो एकदम भाई, देख रहा है पूरा लालम लाल रखा हुआ है एकदम बवाल। हम सोचते कि हमारे यूपी में ही ढंग नहीं है लोगों को चलाने का, ऐसा नहीं है, हर जगह के पूरे इंडिया के ही ऐसे हैं, सब यहाँ वहाँ से डालते हैं भाई। अपना डिस्टेंस बचाए 3.8 km, जो देखो तीन तीन चार चार बिठा ले, ओ हो आओ, हेलमेट भी नहीं लगाए, ये बढ़िया जगह लग रही है। फूड आर्टिस्ट, वाह नाम देखो भाई क्या बवाल रखे हुए। गाड़ी को देख के पूछने लगे, रेड रोस्टर में परफॉर्मेंस इंक्रीज है, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे कोई पूछता है। उस समय कैमरा ऑन नहीं था, मैंने सोचा कैमरा ऑन करूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना डायरेक्ट फेस पे किसी कैमरा ऑन करो। ठंड लगने लगी यहाँ पर, देख रहे कहाँ है क्या है, यहाँ पे रोप वे भी है, कल सब ट्राई करेंगे। ये है ये, यही है शायद से, यही है हाँ फतेह सागर भाई, यही है। लाइट तो जल्दी नहीं भाई यार, कहाँ कुछ हो रहा, यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ है भी कि नहीं है। अच्छा सामने से देखेगा, अच्छा ये तो फ्री पार्किंग है, फ्री पार्क लगाओ और घूमते रहो। चलो देखें यहीं पे आसपास, ज़्यादा दूर कहाँ जा रहा है। लेक है एक छोटा सा, यहाँ पे लाइट वाइट तो जल्दी नहीं रही कुछ भी, देखो बस एक फब्बार ही चल रहा है। एक बार आगे भी देख के आएंगे, शायद से वहाँ पे है वो, क्या मतलब एक तरह से यार चौपाटी टाइप ही नहीं लगती, झील के साइड में बढ़िया खाने पीने का चीज लगा दिया, और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग पता नहीं आगे है कि सब पूरा ऐसा ही है। आई गेस सब बस चिलवाने आते, देखो फैमिली के साथ, और कुछ नहीं है। हम सोच रहे थे वो है वो, यही है, फिर लाइटें वाइटें नहीं जल रही शायद से। और मर गए भाई साहब, देख रहे
जब आप 3-4-5 लोगों के साथ आओ तब खाने का मन करेगा, अकेले नहीं आएगा मजा। अकेले तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि बैठे आप खुद ही घर पे लेके या होटल में लेके। देखो तो क्या मस्त मजे हो रहा है। लेकिन सही है जो पूरी झील के अराउंड ही बना हुआ है भाई। अपन का क्या काम, ना अपने साथ कोई है ना कुछ है, कहाँ खाएंगे कहाँ पियेंगे। अपन तो गाड़ी घुमा के वापस चलो, अपन तो खाना खाते मस्त सा होटल में पैक करा के ले आते। ओह माय गॉड कितनी ज्यादा चौपाटी है यार। पाव भाजी, मैगी। मैगी तो ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन बना दिया मैगी मिल रही। तो बस ये होटल दे दी उनने, उस साइड से व्यू आ गया एक साइड का, बस हो गया काम। अरे भाई ये बहुत चलती है ये वाली जीप, इसको जीप बोल लो या थार बोल लो, महिंद्रा की बोल लो, कुछ भी M40 बोल लो, कुछ भी ऐसी ही है। ये बहुत भयंकर चलती हैं ये वाली गाड़ियाँ। ये मैं बहुत दिख चुकी यहाँ पे। यहाँ पे झील बहुत है क्योंकि ये माउंटेन से सराउंडेड है ना, तो झील ऑब्वियसली बातें रहेंगी रहेंगी। तो ये अराउंड है 5.1 किलोमीटर। देखते हैं भाई सेकंड स्पॉट, मतलब ज्यादा हमें बैठने का मन नहीं करता। बैठे वो जो यहाँ पे रेगुलर रहता है जिसको टाइम पास करना, एज अ टूरिस्ट तो बहुत जल्दी जल्दी कवर करते हैं भाई, ज्यादा हेडेक नहीं है। देख लिया बस हो गया। चलो अब लेक पिछोड़ा और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा होटल। राजस्थान के लोग हैं बहुत मस्त, कोई हेल्प करने में किसी से कुछ पूछो ना एकदम से वो बैठ के आधे आपको बताता रहेगा जो जो घूमने की जगह है। यहाँ तो वाइन शॉप तो भाई हद ही कर रही है यार, कितनी वाइन शॉप है। बहुत मस्त लोग हैं यहाँ, मजा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है अपनी सिटी में ही चला रहे गाड़ी, हम बाहर नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पे, हम तो यही देख के हैरान है। अच्छा ये भी पिछोला झील है, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा अभी मेन है मैटर आगे, यहाँ पे भी खाने पीने का ही है और वोटिंग करने का सिस्टम है ये। और वो सामने बना हुआ और एक ये बनी है झील। खाना तो अपन को कुछ है नहीं है, और यहाँ पे जाओ अंदर बैठो खाओ पियो आराम से मस्त मौज मारो। ये देखो बढ़िया मस्त यार है ना। वहाँ पे जाने की बोट होगी ये, वहाँ से जाते होंगे, लेकिन वो डे टाइम में ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी तो बंद है बोट। तो चलो गाइस आई होप ये छोटा सा दो लेख जो देखी हूँ वो समझ में आयो, नहीं आयो तो फिर भी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये ज़्यादा लंबा नहीं बनाया मैंने ये। तो चलो भाई आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं यहीं तक, कल बाकी देखते हैं। कल अच्छा कुछ हो मज़ा आएगा कल, अगर जो डे टाइम में होता था तो बहुत बढ़िया लगता देखने में डेफिनेटली। कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल एक बार डे में और आएंगे ट्राई करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन करना ही क्या है, कल पूरा दिन घूमना ही है, सिर्फ ब्लॉग बनाना और कुछ नहीं करना गाइस, कुछ भी नहीं करना। तो एक एक पेन लेके टिक मार्क करते जाएंगे कौन कौन सी जगह हो गए, कौन कौन सी जगह हो लिए नहीं हुए। ठीक है चलो बाय बाय। भी देखो इस पे लगाएंगे फ्रू पर चढ़ाएंगे अपन पूरी व्यवस्था लेते भाई गाड़ी की। अच्छा जो इनने दो कील ठोकी है फंस जाएगी। चढ़ गई, जय बोलो जय बोलो। खड़ी करवा दी, चलो सेफ्टी। भाई हम लोग दूर से आते ना इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी रहती है ऐसी सेफ गाड़ी रखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। घर पे होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती।